अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को हुदहुद परिंदे के हवाले से बहुत ही ख़ास बातें बताऊंगा। साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या सुनाऊंगा कि जिसको सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हुदहुद वह परिंदा है जिसको अल्लाह ने बहुत बड़ा आला मुकाम अता किया है। यानी तसव्वुर कीजिए कि जिसका जिक्र कुरान पाक के अंदर आया हो, जिसकी खूबियों को कुरान पाक के अंदर बताया गया हो, वो परिंदा कितना यकीनन कितना ज़्यादा आला मुकाम रखता होगा, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर हुदहुद परिंदे का जिक्र किया और साथ ही साथ क़यामत तक लोग इसको पढ़ेंगे और सवाब हासिल करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे जहन के अंदर ज़रूर ये बात आती होगी कि अल्लाह ने हुदहुद परिंदे को इतना ज़्यादा आला मुकाम क्यों अता किया, इसकी क्या वजह है। सबसे पहले तो वजह यह है, मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही सच्चा परिंदा है, यानी हर बात सच बोलता था। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी वजह यह है जिसकी वजह से अल्लाह ने इसको आला मुकाम अता किया और कुरान पाक के अंदर इसका जिक्र किया गया। अल्लाह की शान देखिए कि ये हुदहुद परिंदे की वजह से पूरी कौम ईमान लेकर आ गई। इसका एक बहुत ही प्यारा वाक़या है जो मैं आपको अब सुना रहा हूँ। आप सभी जानते होंगे अल्लाह के एक बहुत ही प्यारे नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैं दो चीज़ों में से सिर्फ एक ही चीज़ तुम्हें दे सकता हूँ, या तो तुम हुकूमत ले लो या फिर इल्म ले लो। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आपको मालूम पड़ेगा कि इल्म कितना ज़्यादा अहमियत रखता है और कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इल्म चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अल्लाह ने इल्म के बरकत से आपको हुकूमत भी अता कर दी। आप सभी को बता दूं, अल्लाह ने आपको एक ऐसी हुकूमत अता की जो यकीनन आज से पहले किसी को भी अता नहीं की थी और ना ही किसी को फिर अता की जाएगी। आप सभी को बता दूं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हवा के ऊपर हुकूमत दी। जैसा आप चाहते थे वैसे हवा चलती थी। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नातों के ऊपर हुकूमत दी। अगर कोई जिन्नात गलती करता है तो आप चाहे तो उसको सज़ा भी दे सकते हैं और इसका कोई हिसाब किताब भी नहीं होता। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने आपको इतनी ज़्यादा छूट दे दी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सोचिए कि अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कितना ज़्यादा आला मुकाम अता किया था। साथ ही साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये मोजिज़ा था कि आप जानवरों की बोली भी समझते थे, परिंदों की बोली भी समझते थे और परिंदे हमेशा आपकी बारगाह में मौजूद रहते थे। आप सभी को बता दूं, एक मर्तबा सभी परिंदे आपकी बारगाह में मौजूद थे, लेकिन हुदहुद परिंदा नज़र नहीं आया। इस बात को लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि बग़ैर इजाज़त के वो मुझसे बग़ैर पूछे कहीं चला गया। तो ये चीज़ देखने के बाद आपने फरमाया कि अब हुदहुद परिंदा अगर आया तो मैं उसको ज़बा कर दूंगा, अगर वो अच्छी खबर लेकर आएगा तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तभी कुछ देर बाद हुदहुद परिंदा आपकी बारगाह में हाजिर होता है। आप सभी को बता दूं, सभी परिंदे जो होते हैं वो ये बात कहते हैं कि अल्लाह के नबी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, आज हो सकता है तुम्हें ज़बा कर दिया जाए, अगर तुम कोई अच्छी खबर लेकर आए होंगे तो तुम्हें माफ़ कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हुदहुद परिंदा अगर चाहता तो वो यकीनन वहाँ से उड़कर भाग चला जाता। लेकिन प्यारे दोस्तों, हुदहुद परिंदे को ये बात मालूम थी कि अल्लाह के नबी की क्या शान है, मैं कहीं भी भाग जाऊँ लेकिन अल्लाह के नबी अगर चाहेंगे तो यकीनन वो मुझे खींच कर लाएंगे। जो हुदहुद परिंदा जो था वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और बहुत ही ज़्यादा सहम गया और वो आपकी बारगाह में जाने के बाद दोनों पैर फैलाने के बाद अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है। आप सभी को बता दूं, उसके बाद हुदहुद परिंदा जो होता है वो ये बात कहता है कि ऐ अल्लाह के नबी, जल्दी ना कीजिए, मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे खबर के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तो हुदहुद परिंदा जो होता है वो ये बात कहता है कि मैं यहाँ से दूर मलिकाए सबा की कौम यानी यमन से गुजरा और मैंने वहाँ जाकर देखा कि एक औरत जो है वो हुकूमत करती है। यानी वहाँ की जो मलिका है वो एक औरत है और वो सूरज की पूजा करती है। ये बात सुनने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद की जान बख्श देते हैं। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ख़त लिखते हैं और हुदहुद परिंदे को देते हैं और ये बात कहते हैं, इस ख़त को ले जाओ और जाकर उस मलिका को दे देना। तो हुदहुद परिंदा जो था वो फिर से रवाना हो गया और वहाँ जाकर ये ख़त दे दिया। तो उस ख़त के अंदर ये लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें दावत देता हूँ दीन की, तुम मुसलमान हो जाओ। इस तरह की बातें यानी ईमान लाने वाली बातें कही गई थी। तो ये ख़त पढ़ने के बाद मलिका जो होती है उसके जहन में ये बात आती है कि अगर ये दुनिया का कोई शख्स होगा तो मैं अगर इसको बहुत सारे इनामात दूंगी तो हो सकता है कि ये अपनी बात से पलट जाए, लेकिन अगर ये एक अल्लाह का सच्चा नबी होगा तो ये तभी राज़ी होगा जब तक मैं ईमान नहीं लेकर आ जाती। तो वो मलिका जो होती है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सारे तोहफे भिजवाती है, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये बात कहते हैं कि तुम ईमान लेकर आ जाओ वरना अपना हशर देखना। तो ये बात जानने के बाद मलिका जो होती है वो वहाँ से रवाना होती है यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने के लिए। जैसे ही हुदहुद परिंदा देखता है कि मलिका जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ रही है तो वो फ़ौरन ही रवाना होता है। तो वो आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला करता है और बताता है कि मलिका बिल्किस आ रही है और उसके पास एक बहुत ही बड़ी ताकत है जिसको जंजीरों के अंदर बांध के रखती है। तो ये बात सुनने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भरी महफिल के अंदर ये बात कहते हैं कि कौन है जो मलिका बिल्किस का तख्त यहाँ पर ला सकता है, और उसके पास एक बहुत ही बड़ा तख्त है जिसको जंजीरों के अंदर बांध के रखती है। तो ये बात सुनने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भरी महफिल के अंदर ये बात कहते हैं कि कौन है जो मलिका बिल्किस का तख्त यहाँ पर ला सकता है। तो ये बात सुनने के बाद एक खबीस जिन, एक नापाक जिन जो होता है वो ये बात कहता है कि अल्लाह के नबी मैं ला दूंगा। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि कितनी देरी में ला दोगे तो वो जो जिन होता है वो ये बात कहता है कि आपकी महफिल ख़त्म होने से पहले मैं यहाँ पर वो तख्त ला दूँगा। तो ये बात सुनने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे इससे भी पहले चाहिए, क्या कोई इससे भी पहले ये तख्त ला सकता है? तभी आपका गुलाम एक अल्लाह के वली ये बात कहते हैं कि मैं लेकर आऊँगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये बात कहते हैं कि कितनी देर में ला दोगे? तो वो जो आपके वज़ीर गुलाम जो होते हैं वो ये बात कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी आपकी आँख के पलक झपकने से पहले ही लेकर आ जाऊँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म के मुताबिक आपकी पलक झपकने से पहले ही मलिका बिल्किस का जो तख्त था वो आपके सामने हाजिर हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह इल्म अता किया, लेकिन वो जो आपके ग़ुलाम थे, जो आपके वज़ीर थे, जो अल्लाह के वली थे, उनके पास क्या था? बेशक उनके पास ज़बूर का इल्म था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़बूर को पढ़ने के बाद इतना ज़्यादा इल्म हासिल होता है कि पल भर के अंदर यानी पलक झपकने से पहले ही मलिकाए बिल्किस का जो तख्त था, जो जंजीरों के अंदर बंधा हुआ था, वो फ़ौरन ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गया। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि आपके ग़ुलाम, आपके जो वज़ीर थे, वो फ़ौरन ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गया। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि आपके ग़ुलाम ने एक मरतबा भी बात नहीं बोली कि वो शहर कहाँ पर है, मलिका बिल्किस का जो तख्त था वो कहाँ पर है, और बिना कुछ जाने पल भर के अंदर तख्त को हाजिर कर दिया। जबकि मलिकाए बिल्किस महल पहुँचने में 1 महीना लगता और वापस आने में भी 1 महीना लगता है, यानी कुल मिलाकर 2 महीने लग जाते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि तख्त इतना बड़ा था, हम जैसे ना जाने कितने लोग लगते हैं उसको उठाने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ज़बूर को पढ़ने के बाद इतना ज़्यादा इल्म हासिल होता है तो सोचो कुरान पाक को पढ़ने के बाद कितना ज़्यादा इल्म हासिल होता होगा, कौन कौन सी पावर, कौन कौन सी ताकत हासिल होती होगी, हम यकीनन तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ने कुरान पाक को नाजिल किया और कुरान पाक के अंदर तौरेत, इंजील और ज़बूर यानी तीनों का मजमुआ कुरान पाक के अंदर है। ये अल्लाह के मुकम्मल किताबें हैं। और आप सोचिए इस चीज़ को कि अगर हम कुरान पाक का इल्म हासिल करेंगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, हम यकीनन तसव्वुर नहीं कर सकते इस चीज़ को। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये अफसोस का मुकाम नहीं है तो और क्या है। यकीनन कुरान पाक को अगर खोलकर देखते तो वो यकीनन रमज़ान के महीने में बहुत से लोग जो है यकीनन खोलकर भी नहीं देखते हैं। वो सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों यकीनन ये अफसोस का मुकाम है। अल्लाह ने इतनी प्यारी नेमत अता की है, अल्लाह ने इतनी मुकद्दस आला किताब अता की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये वाक़या पसंद आया होगा और हुदहुद के बारे में भी आपको मालूम पड़ चुका होगा कि अल्लाह ने उसको इतना ज़्यादा आला मुकाम क्यों अता किया है।